नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। देखिए, हम लोग अपना क्लासेस फिर से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आईपीसी कुछ क्लासेस मैंने आपको कराई हैं। उत्तराखंड के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको करा दिए हैं, 2019, 2016, 2014, 2015 इनके क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा दिए हैं। चैनल पर जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। टीपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उत्तराखंड सिविल जज के पेपर में भी आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें देखें तो ये इन्फोर्समेंट कब आया था? ये तो ये आया था 1 जुलाई 1882 को। प्रवर्तन में कब आया था? 1 जुलाई 1882 को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये प्रवर्तन में आ गया था। देखते हैं तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके आगे भी है, इसमें बहुत सारी चीजें और जोड़ी जा सकती हैं। ये एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मतलब इसके एम की बात करते हैं कि क्यों ये एक्ट आया था, किस पर ये एक्ट अप्लाई होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से था, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की बातें कही गई थी, तो ये टीपीए एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी थी। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो है कि ये रेगुलेट करता है ऐसे ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी को दो लिविंग पर्सन्स के बीच में, मतलब दो जीवित व्यक्तियों के बीच पे एक संपत्ति का ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, मतलब आप याद रखना लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है ट्रांसफर। दूसरा अगर हम देखें तो ये कंप्लीट करता है कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि एक इमोवेबल प्रॉपर्टी को रिलेट करता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, ठीक है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ये कंप्लीट करता है। अगला देखें हम तो इसमें जो एक्ट किया जाता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, दो लिविंग पार्टीज के द्वारा एक एक्ट किया जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मतलब एक प्रॉपर्टी का एक व्यक्ति के द्वारा से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का। अगला अगर हम देखें तो ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा ये वॉलेंटरली होना चाहिए, मतलब स्वेच्छा से होना चाहिए, इस पे जोर जवाब दबाव से जबरदस्ती ये ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वॉलेंटरली ट्रांसफर होना चाहिए बिटवीन लिविंग पर्सन, किस चीज का, इसका प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है टीपीए के, इसके आगे भी देखते हैं हम। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं हम। अगर हम टीपीए की बात करते हैं तो आपको बताया मैंने कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे ट्रांसफर की बात करता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, मतलब अचल संपत्ति के स्थानांतरण की या फिर संपत्ति के ट्रांसफर की बात करता है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि अगर हम चल संपत्ति की बात करते हैं, तो वहां हम ये बात करेंगे कि वहां पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। जहां पर चल संपत्ति की बात होगी वहां सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है तो हम वहां अधिकतर ये बोलेंगे कि वहां पर टीपीए अप्लाई होता है। यानी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अचल संपत्ति की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के भी सेक्शन 5 से लेकर 37 चैप्टर 2 जो है ये दोनों पर अप्लाई होता है, मतलब ये सेक्शन 5 से लेकर 37 तक ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही टाइप के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से पे अप्लाई होता है। और अगर हम इसके बाद देखें जो गिफ्ट वाला पोर्शन है और जो एक्सचेंज वाला है, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज की यानी कि ट्रांसफर की उसमें बात आ रही है। गिफ्ट और एक्सचेंज वाले टॉपिक में भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात आती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो वैसे तो कहा जाएगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी और दोनों की भी बातें करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, बोल रहे हैं हम कि प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, तो प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है,
ये डिफाइन जो है टीपीए में कहीं नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो एक लीगल टर्म है, मतलब ये अपना जो है कानून उसमें जो एक लीगल टर्म है, और ये जो है ये डिनोट करता है हर तरह के इंटरेस्ट को और हर तरह के राइट को जिसकी की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। मतलब प्रॉपर्टी, हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी हर तरीके के इंटरेस्ट को और हर तरीके के राइट को इसमें आ जाएंगे जिसकी की कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसको हम प्रॉपर्टी बोल देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेरेक्ट से इसको आगे पढ़ेंगे, सेक्शन वन से लेकर के लास्ट तक के हम इसके सारे सेक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टीपीए का एक ओवरव्यू पता चल गया होगा। अगले वीडियो में हम जो है सेक्शन वाइज पूरा एक सेक्शन से लेकर आगे लास्ट तक चलेंगे और पूरा टीपीए हम खत्म करेंगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।